नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने कहानी लाया हूँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्यों के बीच हुई प्रश्न और उत्तर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, क्या गृहस्थ लोगों को भगवान के दर्शन हो सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस बोले, हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, उन्हें तुम्हारे गृहस्थ होने या न होने से ज़्यादा परेशानी नहीं। गृहस्थ यदि अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, बिना आसक्ति किए अपना कार्य करता रहे, तो उसे भगवान मिलते ही हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आगे बोले, संसार में रहना मानो हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने जैसा है, कटहल भी कट जाए और हाथ भी गंदे ना हो। संसार में आसक्ति छोड़कर सारे कर्म करने चाहिए और अपने दायित्व निभाने चाहिए, यही मुक्ति का मार्ग है। तो दोस्तों, आज हमने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा दिए गए उपदेश और उत्तर जो कि उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक नई शिक्षा के साथ अगले नए वीडियो में मैं वापस आऊँगा। धन्यवाद।